नमस्ते, मैं हूँ बाल रोहतगी और आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ अबाउट द फेक रेप केसेस जो काफी हद तक दिखे जाते हैं इन सेक्युलर इंडिया। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर ये जो फेमिनिस्ट हैं, ये हम समझ गए हैं कि काफी हद तक नकली फेमिनिस्ट हैं। ये उन कॉजेस को बढ़ावा देती है जो टारगेट करते हैं हिंदू रिचुअल्स को और हिंदुइज्म को, मगर ऑब्वियसली ये फेमिनिस्ट गायब हो जाती हैं जब कोई रिचुअल्स आते हैं विद कनेक्शन टू सम अदर रिलीजन। सिमिलरली ये फेमिनिस्ट टारगेट करती है सिचुएशंस जहां पे रेप केसेस होते हैं रिलेटेड टू हिंदू मेन, मगर ये फेमिनिस्ट सो जाती हैं जब रेप केसेस होते हैं रिलेटेड टू मेन फ्रॉम अदर रिलीजन, स्पेशली प्रोबेबली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने ट्विंकल शर्मा के मर्डर के ऊपर जितना आउटरेज होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, उस बेसिस पे भी ये डिस्कशन आप और मैं कर रहे हैं। साथ साथ में हमने देखा है कि बहुत सारे हिंदू सेंट्स को जेल में भेजा गया है, उनको सजा मिली है एंड दे आर ऑल एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग देयर डिसाइपल्स। मगर मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि रेप केसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें क्रिश्चियन मिशनरीज से भी मिलती है, बहुत सारे बिशप्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन सच केसेस, मगर वो केसेस को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है बाय द अंकल्स एंड आंटीज ऑफ इंडियन मीडिया एंड द फेक फेमिनिस्ट ऑफ इंडियन मीडिया। साथ साथ में मौलवी जो मदरासा में होते हैं उनके रिलेटेड भी केसेस आते हैं जहाँ पे उन्होंने रेप किया होता है एंड वो केसेस को भी मेन स्ट्रीम मीडिया इतना हाईलाइट नहीं करती जितना वो हाईलाइट करने की कोशिश करती है दोज इंसिडेंट्स विच आर इन्वॉल्विंग हिंदू सेंट्स एंड प्रीचर्स। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक ये एक साजिश है अगेंस्ट द हिंदू सेंट्स एंड प्रीचर्स टू शो देम इन बैड लाइट। सबसे ज़्यादा आयरोनिकल बात ये है कि हलाला करके एक प्रैक्टिस इज एक्चुअली वैलिड इन द रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम विच अलाउज द मुस्लिम क्लेरिक टू स्लीप विद द वुमन सो दैट शी कैन रीमैरी हर फर्स्ट हस्बैंड हु हैज गिवन हर अ वर्बल डाइवोर्स वाया ट्रिपल तलाक। तो जब तक ये नकली फेमिनिस्ट ऐसी प्रथा के खिलाफ आंदोलन नहीं करती, मगर ऑब्वियसली आंदोलन करती है व्हेन देयर इज अ केस रिलेटेड टू कथुआ बिकॉज वहां पे एक मुस्लिम बच्ची का रेप और मर्डर होता है, दिखाता है उनका दोगलापन। साथ साथ में मैं ऑब्वियसली रिसेंटली इंडियन हिस्ट्री और हिंदू हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ऑब्वियसली समझने की कोशिश करी द थॉट बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ सती प्रथा। मुझे पता चला कि सती प्रथा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी वेदिक धर्म शास्त्रास ऑफ सनातन धर्म। सती प्रथा तब आई जब मुगल इन्वेजन इंडिया पे हिंदुस्तान पे हो रहा था एंड बहुत सारी इंडियन औरतों ने ये प्रथा विलिंगली की उस टाइम पे। मैं फिर से कह रही हूँ मैं सती प्रथा को ग्लोरिफाई नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट सती प्रथा इज ओवर बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द सोसाइटी द इंडियन सोसाइटी स्टार्टेड यूजिंग सती प्रथा टू टारगेट इनोसेंट इंडियन विमेन जिनको जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना जलाया गया। अब जब हम समझते हैं कि सती प्रथा का ओरिजिनेशन तब हुआ था जब मुगल इन्वेजन हो रहा था और ये इंडियन औरतों को मुगल इन्वेडर्स की रखेल यानी मिस्ट्रेस नहीं बनना था और कुछ इंडियन औरतें इंडियन क्वींस वॉरियर्स भी थी, जैसे मैं पढ़ रही थी अबाउट अ लेडी कॉल्ड एज रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एक यंग रूलर थी एंड उन्होंने फाइट किया था उन्होंने फाइट किया 51 गैलेंट वॉर्स अगेंस्ट मेनी इन्वेडर्स इंक्लूडिंग द मुगल 3 times बट नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल। मगर रानी दुर्गावती के बारे में मैं पहली बार सुन रही हूँ। सो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ऑब्वियसली मुगल इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया गया है, मगर हिंदू लेडीज या हिंदू वॉरियर्स या इंडियन वॉरियर क्वींस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जिन्होंने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करेज के साथ इन मुगल इन्वेडर्स के सामने फाइट रखी थी।
तो हमारे इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में, देयर वर इंडियन विमेन हु वर वॉरियर्स हु यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट दीज मुगल इन्वेडर्स एंड डिफीट देम, एंड देयर वर अदर इंडियन विमेन हु विलिंगली कमिटेड सुसाइड बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ मिस्ट्रेस टू दीज मुगल इन्वेडर्स. तो अगर हम ये दोनों सोच को समझने की कोशिश करें तो ये दिखाता है कि इंडियन विमेन वर पावरफुल विमेन, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल. अब जब ये थॉट रखने वाली इंडियन विमेन एंशिएंट इंडिया में रहती थी, तो आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी केसेस अगेंस्ट द हिंदू सेंट्स एंड प्रीचर्स बाय सर्टन इंडियन लेडीज, जो कहते हैं कि उनको सालों साल तक रेप किया गया बाय सर्टन महाराज और सर्टन सेंट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अंडर सर्टन प्रिटेक्स और अनदर. तो मैं सिर्फ लॉजिकली ये बात को समझना चाहती हूँ कि इंडियन विमेन, स्पेशली हिंदू विमेन, तो कभी भी कमजोर नहीं थी एंड दे ऑलवेज फॉट फॉर देयर सर्वाइवल एंशियंट टाइम्स में. तो प्रेजेंट टाइम्स में ये जो लेडीज ये कहानियां बेचने की कोशिश कर रही हैं, मैं सिर्फ एक लॉजिकल सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ कि हाउ कम दे लेट दैट हैपन टू देम वन आफ्टर द अदर अगेन एंड अगेन. एक बार आपको बहला फुसला के आपका रेप किया जा सकता है, बट अगर आप उस आश्रम या उस जगह पे बंधे हुए नहीं है, एक प्रिजनर नहीं है, आप खुले आम खुले तरीके से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो कैसे आपने अपने साथ ये रेप जैसी सिचुएशन होने दी फॉर सो मेनी मंथ्स और सो मेनी ईयर्स. सो आई बिलीव दैट देयर इज अ सर्टन काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू टारगेट द हिंदू सेंट्स एंड प्रीचर्स टू शो देम इन बैड लाइट, क्योंकि ये जो औरतें हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया है, शायद कुछ हद तक none of them are nabalik and none of them had been held as a prisoner against their will. To unke saath rape jaisa ghinona crime kaise hua without their marzi if they were not held as a prisoner is what I want to understand from Indian media and Indian fake feminists.